दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा कि आप घर में केले लाते होंगे, उनको कोई खाता नहीं होगा और वो ओवर राइप हो जाते होंगे, यानी कि पक जाते होंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि केलों को फेंकना पड़ जाता है। तो फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, उन्हीं केलों से बहुत बढ़िया सा डेजर्ट बनाते हैं जो बच्चे तो खाएंगे ही और बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे। कोई चीनी नहीं डालेंगे, कोई क्रीम नहीं डालेंगे, लेकिन बहुत टेस्टी बनेगी। अब यहाँ पर रेसिपी बनाने के लिए मैंने लगभग 6 केले लिए हैं, ये पूरी तरीके से पक चुके हैं मेरे केले। तो आपने करना क्या है कि आपने इनको छिलना है, काटना है और फिर इसके बाद इनको एक बड़ी सी थाली में आप बिछा लेना। और मेरे पास थोड़े से फ्रेश केले भी पड़े थे क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने फ्रेश केलों का भी इस्तेमाल किया है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आपने सिर्फ करना यह है कि इसको कवर कर देना और इसको फ्रीजर में रख देना लगभग ओवरनाइट 12 घंटे के लिए। आप इनको जमा देना अच्छे से, 4 या 5 घंटों से कुछ नहीं होने वाला, इसको ओवरनाइट ही रखना ताकि एकदम हार्ड सेट हो जाए। जो केले हैं वो एकदम फर्म होने चाहिए। और मैंने यहाँ पर ना कोई दूध या चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन तब भी बहुत बढ़िया मीठी रेसिपी बनती है। आप देखो आगे कैसे। आप सिर्फ करना कि 12 घंटे बाद जब आप खोलोगे ना इसको, तो आप ये चेक कर लेना कि जो केले हैं वो एकदम हार्ड होने चाहिए, हार्ड सेट होने चाहिए। ये देखो एकदम कड़क है ना, बस ऐसे आपको चाहिए। और आप देख लो, ये वही गले हुए केले हैं जिनको आपके घर में कोई हाथ भी नहीं लगाने वाला था। बर्फ हो चुके हैं पूरे और एकदम फ्रेश लग रहे हैं, है ना। अब इस रेसिपी को गलती से भी अनहेल्दी मत बना देना। क्रीम का इस्तेमाल मत करना। हम क्या इस्तेमाल करेंगे फिर? हम दही का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि दही को थोड़ा सा छान लिया है और उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल लिया है। पानी निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ मैं क्या बनाने वाला हूँ। मैं आइसक्रीम बनाने वाला हूँ और आइसक्रीम अगर पानी ज्यादा होगा तो उसमें आइस क्रिस्टल्स होंगे, सीधी सी बात है ना। तो आप मान के चलो मैंने यहाँ पर 3 केले लिए हैं और इन 3 केलों में आप यहाँ पर आधा कप से थोड़ा सा कम दही का इस्तेमाल करना, वो जो पानी निकली हुई है वो। अगर आपको थोड़ा सा मीठा बनाना है तो चीनी नहीं, यहाँ पर शहद डालना। शहद ही ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी चीनी से, या कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हो, उससे भी काम अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन कंडेंस मिल्क या शहद, इन दोनों में से एक ही चीज डालना और बस इन सब चीजों को अच्छे से मिलाकर मिक्सी में आप ग्राइंड कर लेना। इस बात का आप ध्यान जरूर देना कि जो आप बैटर बनाओगे वो एकदम अच्छे से पिसा हुआ होना चाहिए, उसमें कोई गुठलियां ना हो। थोड़ा सा मैंने वनीला एसेंस भी डाला है ताकि आइसक्रीम वाला फ्लेवर भी तो आए। और ये देखो आपकी वनीला आइसक्रीम का बेस बनके पूरा तैयार है, वो भी केले से। इसमें थोड़ी सी मैंने चॉकलेट्स डाल दी है। मैंने यहाँ पर नॉर्मल मिल्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। अगर आप रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो आप इनको बहुत आराम से काट पाओगे, अगर सीधा फ्रिज से निकाल के काटोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पर ही चॉकलेट को काटना, एकदम परफेक्टली कटती है। और बस इसको मैंने अपनी आइसक्रीम के साथ मिला दिया है। अब बस आप इसको एक कंटेनर में डालो, तो ऊपर से मैंने थोड़ी सी मिल्क चॉकलेट डाल दी है और इसको जमने के लिए छोड़ दो 12 घंटे के लिए। ओवरनाइट या 12 घंटे में एकदम हार्ड सेट हो जाएगी। अच्छा, ये इनफ थोड़ी है, बस बाकी जो बचे हुए केले हैं उनसे मैंने चॉकलेट आइसक्रीम बनाई। तो इसमें भी आप आधा कप के आसपास दही डालना, वही जिससे पानी निकला हुआ है, वही वाली दही। शहद मैंने यहाँ पर थोड़ा ज्यादा डाला है क्योंकि चॉकलेट है तो चॉकलेट की एक बिटरनेस भी होती है ना। फ्लेवर एनहांस करने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। आखिरी चीज जो आपको यहाँ पर डालनी है वो है 1/4 कप कोको पाउडर। 1/4 कप इनफ होगा 3 से 4 किलो के लिए, नहीं तो थोड़ा सा कड़वा कड़वा लगेगा। बस अब यहाँ पर अच्छे से मिला देना और इसको मिक्सी में एकदम फाइन पेस्ट बना देना। मिक्सी में ग्राइंड करते हुए जब मैंने टेस्ट किया तो मेरे को एक कमी लगी कि इसमें वनीला एसेंस की थोड़ी सी कमी है, तो ये आप जरूर डाल देना ताकि चॉकलेट का फ्लेवर और भी निखर के आए। और हमारी चॉकलेट आइसक्रीम भी पूरी सेट है। इसको भी मैंने बस कंटेनर में डाला है, अच्छे से कवर किया है, सेट होने के लिए छोड़ दिया है ओवरनाइट या 12 घंटे के लिए। और अब ये देखो 12 घंटे बाद आइसक्रीम पूरी सेट है और बहुत ही बढ़िया डेजर्ट बनता है दोस्तों ये। इसको फ्रोजन योगर्ट आप बोल सकते हो, फ्रोयो बोल सकते हो। हाँ, लेकिन ध्यान रहे इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं है। और चाहे मैं आपको वनीला चॉकलेट चिप दिखाऊं या ये चॉकलेट वाली दिखाऊं, आप टेक्सचर देखो, बहुत क्रीमी है, जबकि इसमें क्रीम है ही नहीं। तभी तो इसमें वो बात है दोस्तों, आप इसे जरूर बनाकर देखना, गर्मियों में सच में गर्मी दूर भगा देगी। ये एकदम हेल्दी आइसक्रीम है और जो केले बचे थे ना, आपने उनको एकदम गुड यूज में यूज किया है। दोस्तों मैंने फ्रोयो की जो रेसिपी है मैंने आपको 3 साल पहले भी बताई थी, उसमें मैंने मैंगो भी बताया था, स्ट्रॉबेरी भी बताया था। अगर आप वो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है, आप वहां क्लिक कर सकते हो और वहां से आप मैंगो, स्ट्रॉबेरी, कोई भी फ्रूट की आइसक्रीम बना सकते हो।